हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटेसी डिसीजन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आईसीसी एकेडमी रमदान T10 की बात करेंगे, जो कि मैच होगा एजेड स्पोर्ट्स और टॉप स्टार्स के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ पर स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ पर ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कप्तान वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटेसी टीम भी देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को लेके जाना और कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करते हैं इस मैच की। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये टूर्नामेंट हम लोग पूरी कवर करें। इसके साथ साथ यहाँ से आपको शारजा रमजान T20 के वीडियो भी मिलेंगे, इसके साथ साथ यहाँ से आपको गुवाहाटी प्रीमियर लीग के वीडियो मिलेंगे, हैदराबाद T10 के वीडियो मिलेंगे। तो बहुत सारे अच्छे मैचेस के वीडियो आपको यहीं पर मिलने वाला है। तो YouTube चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, साथ ही में टेलीग्राम से भी जुड़िएगा, क्योंकि इस मैच की और आगे आने वाली सारे अच्छे मैचेस की फाइनल अपडेट और फाइनल मेरी स्मॉल लीग की ग्रैंड लीग की जो टीम रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम से जुड़िएगा, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है। बात करते हैं इस मैच की। तो ये मैच शाम को 10:45 पर आईसीसी एकेडमी दुबई यूएई में खेला जाएगा, जहां पर पिच रिपोर्ट की बात करें तो ओवरऑल बैटिंग के लिए अच्छी पिच है, रन यहाँ पर बनेंगे, अच्छे बन सकते हैं। यहाँ पर 100 के प्लस मेंशन किया आंकड़ा, यहाँ पर 120-130 प्लस जा सकता है, इवन यहाँ पर 150 पार भी कई बार आंकड़ा गया हुआ है। चेजिंग की बात की जाए तो यहाँ पर ज़्यादातर पहले बैटिंग करने वाली टीम को एडवांटेज रहेगा, तो टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर टीम एजेड की बात करें तो एजेड ने लास्ट मैच खेला और हार क्या रही है, पहली जीत की तलाश में। ओपनिंग में यहाँ पर आए थे कुलदीप लाल और इनके साथ यहाँ पर अंजुम खान ने ओपनिंग करवाया था। अभी देखो कुलदीप लाल की बात की जाए तो इनका T10 का ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इन्होंने ECS में रेगुलर T10 ही खेले, लेकिन वो लेवल अलग था और ये लेवल थोड़ा सा अपर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल जरूर रहेगा, लेकिन फिर भी इन्होंने लास्ट मैच में 14 रन जरूर किए थे, साथ में एक ओवर्स की गेंदबाजी करवाई जहाँ पर विकेट लेस रहे। हालांकि इसके पहले वो ICC अरेबियन रमजान T20 में भी खेले थे, जहाँ पर एक बार 38 किए थे, एक बार एक विकेट निकाला था। तो ओवरऑल इनसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर इनको एज अ प्लेयर स्मॉल लीग में भी लेके जा सकते हैं, GL में भी लेके जा सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर अंजुम खान काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, हर मैच के ऐसे आपको वॉच करवाते हुए दिखेंगे। लास्ट मैच के ओपनिंग में भी आए थे, हालांकि रेगुलर ओपनिंग करवाई गई नहीं, लेकिन लास्ट मैच के ओपनिंग में जरूर आए थे, ओवर्स रेगुलर करवाएंगे, तो बॉलिंग से आप लोग हमें इनसे उम्मीद जरूर रहेगी। इसके साथ यहाँ से यासिर कलीम की बात करते हैं तो इनको एज अ प्लेयर बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना है, ये बंदा आपकी टीम का हिस्सा होना चाहिए, दिखेगा आपको विकेट कीपिंग सेक्शन से, डेफिनेटली आपकी टीम का हिस्सा होना चाहिए। 44-20-43 जैसे स्कोर किए इन्होंने, और साथ ही में देखो इससे पहले भी कई बार बड़े परफॉर्मेंस दे चुका है, काफ़ी अच्छा प्लेयर है, कंसिस्टेंट रहेगा विकेट कीपर बल्लेबाज। इवन यहाँ पर देखो AZ पहले बैटिंग करवाती है ना, तो आप लोग इनको कप्तान वाइस कप्तान भी कर सकते हो। इसके साथ यहाँ पर मोहम्मद शाकिर अफरीदी से उम्मीद थी कि ओवर्स वगैरह करवाएंगे, लास्ट मैच के ना ओवर्स नहीं करवाएं। बाकी देखो इनके पिछले कुछ मैचेस के आंकड़े देख सकते हैं, वहाँ पर रेगुलर इन्होंने ओवर्स भी करवाई हुए और वहाँ पर इन्होंने विकेट्स भी निकाले हुए, तो भरोसा हमारा पूरा रहेगा यहाँ पर शाकिर अफरीदी के ऊपर, एक बार फिर से भी कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट मैच के हमने इनको वाइस कप्तानशिप दी थी और इस मैच के लिए भी हम लोग इनको कप्तान या वाइस कप्तान कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ से बात करते हैं मोहम्मद रिजवान की, जो कि 5वें नंबर पर खेले और 31 रन किए इन्होंने। इनके ओवरऑल आंकड़ों के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज जरूर हूँ, फिर भी देख लेते, देखो एक्यूरेट जब तक ऑफिशियल आंकड़ा मुझे नहीं मिल जाता ना, तब तक मैं यहाँ पर शेयर नहीं करूँगा। फिर भी हमारी मतलब कोशिश जारी है, कुछ भी अपडेट मिलता है इनके बारे में तो मैं आपको टेलीग्राम में दूंगा, बाकी आप लोग टेलीग्राम से जुड़े रहेगा। और यहाँ पर लास्ट में 31 रन जरूर किए थे, तो उस परफॉर्मेंस के बेसिस पर आप लोग चाहो तो इनको लेके जा सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर सलमान शाहिद की बात करते हैं, जो कि 9 रन किए इन्होंने लास्ट मैच के अंदर, और ये कंसिस्टेंट रन्स बनाएगा। देखो यहाँ पर ना सलमान शाहिद और यासिर करीम की बात की जाए ना, तो ये दोनों काफ़ी अनुभवी प्लेयर हैं इस टीम से, और दोनों से ही आप लोग बड़े परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं। तो इन दोनों को मैं जरूर सजेस्ट करूँगा यहाँ पर कि दोनों को लेके जाए, हालांकि यासिर करीम को तो हमें ड्रॉप नहीं करना है, लेकिन सलमान शाहिद के ऊपर भी आप लोग भरोसा कर सकते हैं। नवीद ओके रहेंगे, इनको आप लोग GL में ट्राई कर सकते हो। बाकी बात करें हम लोग यहाँ पर हबीब रहमान की, हबीब रहमान लास्ट में क्या हमारे लिए एक ट्रम्प कार्ड रहे थे, जिन्होंने 2 ओवर्स की गेंदबाजी भी करवाई, 2 विकेट्स भी निकाली और हमें अच्छा खासा एडवांटेज भी दिया, तो आगे भी हम लोग इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। इसके अलावा इसे एजाज अहमद ने लास्ट मैच के एक ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए विकेट लेस रहे थे, बाकी रेगुलर ओवर्स करवाएंगे नहीं करवाएंगे कन्फर्म नहीं, ये थोड़े से रिस्की रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको कामरान अली को लेके जाना है, फर्स्ट क्लास कैरियर अगर आप लोग देखोगे तो इनका 5 मैच के अंदर 11 विकेट है, और यहाँ पर इन्होंने लास्ट मैच के अंदर 2 ओवर्स की गेंदबाजी करवाई थी जहाँ पर इनको विकेट नहीं मिली थी। राइट आर्म फास्ट गेंदबाज है, ये पावर प्ले में भी आ सकता है और डेथ में भी आ सकता है, तो चाहो तो यहाँ पर इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। आबिद गुल की लास्ट मैच के अंदर 2 ओवर्स की गेंदबाजी रही जहाँ पर एक विकेट निकाला इन्होंने, इससे पहले एक मैच खेले थे जहाँ पर 2 ओवर्स की गेंदबाजी करवा रही वहाँ पर विकेट लेस रहे थे, ये बंदा भी पूरी ओवर्स करवाएगा, चाहो तो रिस्क ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलता है
तो इनके स्टैट्स और उनके अपडेट वगैरह मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर देने वाला हूँ, टेलीग्राम से जुड़े रहेगा। यहाँ पर देखो इंपोर्टेंस की बात की जाए तो एक तो आमिर हमजा इंपोर्टेंस रहेंगे, इसके साथ ही पर मोहम्मद आदिल, मोहम्मद यामिन, वो एक इंपोर्टेंस पिक रहेंगे आपके लिए, और बाकी तो ओके ओके रहेंगे। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर टीम टी एस की, आगे यहाँ से बात करते हैं हम लोग यहाँ पर टी एस की, जो कि एक मैच खेली और हार के आ रही है। तो देखो दोनों ही टीम अपनी पहली मैच हार के आ रही है, आज आपको एक विजेता जरूर मिलेगा इन दोनों टीम के बीच में से। अब्दुल मुक्तदर बाबर और इनके साथ मोहम्मद अयाज ने ओपनिंग करवाया था, जहाँ पर मोहम्मद अयाज ने 25 रन किए थे और मुक्तदर बाबर ने एक उसकी तीन गेंदें डाली, जहाँ पर वो इनको विकेट नहीं मिला था और दोनों से ही एक्सेप्टेशन कम है। हालांकि मुक्तदर बाबर फिर भी आपको बैटिंग या तो बॉलिंग से एडवांटेज दे सकते हैं, अयाज से मुझे ज़्यादा एक्सेप्टेशन है नहीं, चाहो तो आप लोग लेके जा सकते हैं क्योंकि लास्ट में ओपनिंग करवाया था, कभी कभार यहाँ पर ओवर्स वगैरह भी करवा देता है। इनके साथ यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन से मोहम्मद शाहिद इकबाल दिखेंगे, और वैसे भी देखो विकेट कीपिंग सेक्शन में हमारे पास ऑलरेडी चॉइसेस है, यहाँ पर यासिर कलीम जैसे प्लेयर है तो हम लोग इतना बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। इसके साथ यहाँ पर साउथ जफर ने 2 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए विकेट निकाला, और इनका भी देखो पिछला टूर्नामेंट कुछ खास नहीं रहा था, ज़्यादातर ओवर्स करवाते नहीं है, कभी कभार यहाँ पर ओवर्स करवा देते हैं। गुलाम मुर्तजा ने 44 रन किए थे और इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, बंदा कभी भी यहाँ पर बड़ा एडवांटेज दे सकता है, इनके ऊपर कंटिन्यू करेंगे हम लोग भरोसा। इसके साथ यहाँ पर मोहम्मद उजेर खान की बात करते हैं, जो कि एज अ प्लेयर के साथ कप्तान और वाइस कप्तानशिप की चॉइस रहेंगी हमारे लिए। इसके अलावा से बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जमशेद जफर की, जिनके लास्ट में इतना बैटिंग नहीं है, बाकी बैटिंग आने पर तगड़ा एडवांटेज दे सकता है और आई थिंक मुझे लगता है तब तक ये टॉप में खेलने चाहिए, तो शायद हो सकता है अगले मैच के अंदर यहाँ पर शाहिद इकबाल की जगह पर इनको तीसरे या चौथे नंबर पर भेजा जाए, तो ये आपके लिए सबसे बड़े ट्रंप कार्ड है जमशेद जफर। इनको आप लोग स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हैं, इनको स्मॉल लीग के साथ साथ ग्रैंड लीग में भी ले सकते हैं। फहद इकबाल ने लास्ट में 2 विकेट निकाली थी और ये बंदा आपको बैटिंग से भी एडवांटेज दे सकता है, इनको मैं जरूर सजेस्ट करूँगा, इनको आप लोग लेके जा सकते हैं। बाकी ऐसे बात करते हैं पर मोहम्मद मुदस्सर अली, जिन्होंने लास्ट में ओवर्स नहीं करवाया, मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगा कि ओवर्स करवाने चाहिए, इवन शुरुआत में ही करवानी चाहिए, मेन तेज गेंदबाज है यहाँ पर इस टीम के। इसके साथ साथ यहाँ पर आसिफ ने भी ओवर्स नहीं करवाया, तो यासिफ या मुदस्सर अली, इन दोनों में से कोई भी एक प्लेयर आपको अगली मैच के अंदर ओवर्स करवाता हुआ दिखेगा तो इन दोनों में से आप लोग किसी एक को जरूर लीजिएगा, जिसमें देखो दोनों ही कंसिस्टेंट है, दोनों को ही ओवर्स करवाने का चांस मिलेगा तो दोनों यहाँ पर विकेट निकाल के देंगे, तो जहाँ से इन दोनों में से किसी एक को या फिर हो सके तो दोनों को लेके ले जाइएगा। बाकी सिराज को लास्ट में क्या 2 ओवर्स की गेंदबाजी मिली जहाँ पर विकेट लेस रहे, तो आप लोग चाहो तो ले सकते हैं इनको, क्योंकि ओवर्स आई थिंक ये भी रेगुलर करवा सकता है। स्टार्टिंग में यहाँ पर मुक्तदर बाबर और मुबीन ने स्टार्ट किया, मुबीन और जमशेद यहाँ पर डेथ ओवर्स में आए, और इसके अलावा भी बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके भी स्टैट्स और अपडेट वगैरह टेलीग्राम चैनल पर दिए जाते हैं, तो टेलीग्राम से जुड़ी रहेगा, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसी लिंक से ही ज्वाइन करना। अभी देखो इंपोर्टेंस की बात करते तो एक तो कमर अमान इंपोर्टेंट है, कप्तान वाइस कैप्टनशिप की चॉइस है यहाँ पर, और तारिक महमूद है, ये दोनों प्लेयर अगर खेलते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि कप्तान वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगी। बाकी अभी के लिए देख लेते हमारी डेमो फैंटेसी टीम कौन सी हो सकती है, कौन से प्लेयर को हम लोग जाकर लेके जा सकते हैं और कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने 2 प्लेयर लिए, एक यहाँ से आसिफ को लिया है और यहाँ पर एक कलीम को लिया है, कलीम को बैटिंग सेक्शन से के लिए लिया है, और आसिफ आई थिंक यहाँ से इनका नाम भले विकेट कीपिंग सेक्शन से रहा लेकिन आसिफ यहाँ पर एक आधी ओवर्स की गेंदबाजी करवा सकते हैं, तो इसके लिए मैंने इनको लिया है, बाकी आप लोग चाहो तो इनको ड्रॉप कर सकते हैं, ये मैंने रिस्क लिया है। बैटिंग सेक्शन में यहाँ पर 2 प्लेयर है, गुलाम मुर्तजा और इनके साथ यहाँ पर ए मुक्तदर बाबर हमारी टीम के अंदर रहेंगे, बाकी आप लोग एफ इकबाल को लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर ये गुल यानी कि आबिद गुल हमारी टीम के अंदर रहेंगे, इनके साथ यहाँ पर अंजुम खान को लिया है, इनके साथ यहाँ पर मोहम्मद शाकिर अफरीदी और इनके साथ यहाँ पर उजेर खान को लिया है, और उजेर खान के साथ भी यहाँ पर कुलदीप लाल को मैंने लिया हुआ है। आगे बात करें हम लोग यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन की तो हबीबुर रहमान और इनके साथ यहाँ पर मोहम्मद मुदस्सर अली को हमारी टीम के अंदर जगह दी हुई है, बाकी आप लोग यहाँ पर सिराज अहमद को ले सकते हैं, अयाज भट्ट को ले सकते हैं या फिर कामरान अली को आई थिंक हमें लेना चाहिए, क्योंकि कामरान अली यहाँ पर विकेट निकाल के देगा, लास्ट मैच में ओवर्स भी करवाए थे, इनका फर्स्ट क्लास करियर काफ़ी अच्छा है तो इनको ले सकते हैं, और मुदस्सर अली या तो आसिफ खान मोहम्मद आसिफ इन दोनों में से किसी एक को लेना है, मैं अभी के लिए तो आसिफ के साथ जा रहा हूँ लेकिन आखिरी में शायद यहाँ पर चेंजेस वगैरह कर सकता हूँ। कप्तान हमारे यहाँ पर उजेर खान रहेंगे, वाइस कैप्टन मैंने यहाँ पर यासिर कलीम को किया हुआ है, बाकी के ऑप्शंस मैंने आपको वीडियो के अंदर दिए हुए हैं, आप लोग चाहो तो अपने अकॉर्डिंग चेंजेस वगैरह कर सकते हो। बाकी देखो टीम कुछ इस तरह से ही रहेगी, लाइनअप के बाद अगर कुछ चेंजेस प्लेइंग 11 में रहता है, स्क्वाड में हालांकि हर दिन आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे तो उसकी आखिरी अपडेट भी आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जाएंगी, तो टेलीग्राम से जुड़िएगा, टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग को उसी लिंक से ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको मिले और जल्दी से जल्दी इसी YouTube चैनल के ऊपर मिल जाए। इसके साथ साथ यहाँ से आप लोग एक और हमारी चैनल है FDC 11, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि IPL जैसी क्वालिटी मैचेस के वीडियो आपको वहीं पर ही मिलेंगे और वो
प्योर क्वालिटी के साथ वीडियो मिलेंगे। तो इसके लिए आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।